नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार मैथिज्ञान भाई एस के यूट्यूब चैनल में आपका आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 11 की विभाजिकता का नियम। तो दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। तो दोस्तों, 11 की विभाजिकता का नियम हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसकी मैंने डेफिनेशन लिख रखी है। 11 की विभाज्य, 11 से कोई भी संख्या कब विभाज्य होती है? यदि किसी संख्या के सम स्थान के अंकों के योग एवं विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाज्य है या 0 है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो दोस्तों, ये इसकी डेफिनेशन है, मतलब कोई संख्या 11 से विभाज्य कब होती है। तो दोस्तों, अब देखते हैं हम एग्जांपल, कई एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल है 190817। तो दोस्तों, एक ये संख्या है तो ये 11 से विभाज्य है या नहीं है ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे एक है ये विषम स्थान पे है, 9 है सम स्थान पे, फिर 0 है विषम पे, 8 है सम स्थान पे। स्थान से मतलब है कि पहला स्थान विषम, फिर सम, फिर इस विषम, फिर सम, ऐसे हम इनको जोड़ते हैं। किस किस को जोड़ेंगे, एक को जोड़ेंगे, 0 को और एक को, और एक बार हम किन को जोड़ते हैं, 9, 8 और 7, और फिर उनका अंतर लेते हैं। तो दोस्तों, 1 + 0 + 1 और इनको जोड़ते हैं तो ये आता है 9 + 8 + 7, तो ये आ जाता है 1 और 1 2, और ये हो जाता है 9, 8, 17 और 7 24। तो दोस्तों, 24 में से 2 घटाते हैं तो ये आता है हमें 22। तो 22 है, 22 जो कि 11 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। तो इस प्रकार हम विभाजिकता का नियम देखते हैं। अब देखते हैं अगला एग्जांपल, ये दे रखा है 1, 6, 8, 2, 9, 3। तो ये संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है हमें इसका पता करना है। तो दोस्तों, हम देखते हैं सम अंक और विषम अंक के अंकों का योग और फिर उनका अंतर लेते हैं, और अंतर लेने के बाद ये 0 आए या 11 से विभाजित हो तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, 1 को जोड़ते हैं 8 को और 9 को, और एक बार किन को जोड़ेंगे, 6 को, 2 को और 3 को। तो दोस्तों, 1 + 8 + 9 और इनको घटाएंगे किस में से, 6 + 2 + 3। तो दोस्तों, ये हो गया 18 - 6, 2, 8 और 3 - 11। तो दोस्तों, 18 में से 11 घटाते तो हमें मिलता है 7। तो ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। तो दोस्तों, ये 7 आ रहा है तो ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। तो इस प्रकार हम चेक कर लेते हैं 11 से विभाज्य है या नहीं है। अब देखते हैं अगला एग्जांपल, तो ये है 17, 29, 93, 7। ये एक संख्या है तो हमें चेक करना है 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसके 1 को जोड़ते हैं और 2 को जोड़ते हैं और 9 को और 7 को, तो 1 + 2 + 9 + 7 और घटाएंगे क्या, इसमें घटाएंगे 7 + 9 + 3, इनको घटाते हैं। तो दोस्तों, ये हो जाता है 9 और 7 16, 2 18, 1 19। 19 में से हम घटाते हैं 9 और 7 16 और 3 19, तो 19 में 19 घटाते हैं हमें मिलता है 0। 0 हो या 11 से विभाजित हो तो यह संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो इस प्रकार ये 11 से विभाजित होगी। अब देखते हैं अगला एग्जांपल दोस्तों, चौथा। तो चौथे एग्जांपल में है 4, 9, 5, 2, 6। तो इसको हम देखने 11 से विभाजित है या नहीं है। तो दोस्तों, सम अंक और विषम अंक को डिफरेंस लेते हैं, तो यहाँ देखते हैं 4 + 5 + 6 और घटाएंगे क्या, इसमें घटाएंगे 9 + 2। 4, 5 और 6 इनको जोड़ेंगे और 9 और 2 को जोड़ के फिर घटाएंगे, तो 6 + 5 = 11 और 4 = 15। 15 में से घटाते हैं 11 तो हमें मिलता है 4। तो दोस्तों, इस प्रकार ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है।
अब देखते हैं अगला एग्जांपल, ये है 80 36 42। तो दोस्तों इसको हम देखना है, तो हम देखते हैं 8 और 3 और 4। तो 8 + 3 + 4 और घटाएंगे इसमें से 0 + 6 + 2। तो दोस्तों 8 3 11 और 4 15, 15 में से घटाते हैं 8, तो हमें मिलता है 7, जो कि या 0 या 11 की टेबल में होता है जब, तो वो 11 से विभाजित होता है। अब ये नहीं होगा, तो इस प्रकार ये नहीं होगा क्रॉस। दोस्तों अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। तो दोस्तों इसमें दे रखा है 48 32 7 x 8। तो ये एक संख्या है और इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ये 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम सम अंक और विषम अंकों को जोड़ते हैं और फिर उनका अंतर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ 4 + 3 + 7 4 3 7 और 8, इनको जोड़ेंगे और घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 8 + 2 + x, 8 + 2 + x। अब दोस्तों ये हो जाता है 4 3 7 7 14 और 8 22, 22 माइनस ये हो जाता है 8 और 2 10, इसको 10 लिखेंगे हम, 10 माइनस x। तो 22 में से 10 जाते हैं तो 12 माइनस x, 22 में 10 घटाए तो 12 माइनस x। तो दोस्तों अब 12 में से हम क्या घटाएं कि ये 11 की टेबल में आए या 0 बन जाए। तो दोस्तों हम x की वैल्यू डिजिट में ही होनी चाहिए, एक डिजिट में। तो दोस्तों यहाँ x की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि 1 घटाने पर हमें मिलता है 11, और 11 से जो विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो इस प्रकार x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है, x की वैल्यू हमें मिल जाती 1। तो दोस्तों अगला एग्जांपल है 7। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये एक संख्या है 58 24 x। तो यहाँ अपने को x की वैल्यू बतानी है, ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो 11 से विभाज्य है तो x की वैल्यू यहाँ क्या रहेगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ दिन।